ऐसे तो बहुत ज़्यादा आपके थीसिस पेपर है, मगर हम शॉर्टकट में देखेंगे कि देखिए कि वाटर फोर्स के डॉक्टर हैनेमन ने इस किताब के अंदर एफोरिज्म नंबर 9 से लेके 10 तक 17 तक लिखा है कि किस तरह से काम करे, जैसे मैंने पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। नजीक लेके जाओ, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा द रियल वाइटल फोर्स इन आवर लाइफ बॉडी। हमारा वाइटल जो हमने जब देखा वाइटल फोर्स को मेंटेन द नेचुरल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ इज इक्वल टू द फिजिकल मेंटल सोशल बीइंग। जिसको वाइटल फोर्स का काम क्या है कि इसको सबको मेंटेन रखना नेचुरली। तो व्हाट इज अ नेचुरल हेल्थ? द प्रॉपर सेंसेशन, प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर सेल प्रिजर्वेशन, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर एलिमिनेशन। हमारे बॉडी में का हैनेमन का फर्स्ट एडिशन में अलग कहना था, थर्ड एडिशन में अलग करना था, सिक्स एडिशन में कहना था कि हमारे बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वाइटल फोर्स, वो 70% क्योर करने का काम करता है। ओनली डिसीज फोर्स क्या काम करता है? इधर लेके आइए, डिसीज फोर्स सिर्फ इतना मेडिसिन इतना ही काम करती है कि डिसीज फोर्स को लेके आती है, सब मैनेज करने का, सब कुछ मेंटेन रखने का काम इसी फोर्स का है, दैट इज कॉल्ड द वाइटल फोर्स। नेक्स्ट तो हम देखेंगे कि हेल्थ इज अ फिजिकल मेंटल सोशल वेल। हेल्थ क्या होती है? फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट, वेलबींग। फिजिकल मतलब फिजिक हाथ पर चलना, मेंटल मतलब कि अपनी डिजायर्स, अवर्जन, थिंकिंग, सोशल मतलब कि सोशल रिलेशन। व्हाट इज द लाइफ? हम छोटे शॉर्टकट में देखेंगे, लाइफ इज द बॉडी माइंड वाइटल फोर्स। लाइफ का मतलब होता है बॉडी माइंड वाइटल, वाइटल फोर्स को हम स्पिरिचुअल थिंग बोलते हैं। और हम देखेंगे कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द वाइटल फोर्स। डॉक्टर केन के फिलोसॉफी के अंदर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। व्हाट इज द लोकेशन? हमारे शरीर के अंदर वाइटल फोर्स प्रेजेंट कहाँ पे रहता है? तो सी इधर देखिए, दैट इज हमने क्या करा, द वर्ल्ड ऑफ माइंड, वर्ल्ड ऑफ बॉडी, उसके अंदर को ज्वाइन करने वाला वाइटल फोर्स। हमारी बॉडी भी एक नेचर का एक क्रिएचर है, तो हमारे हर एक रोज नेचर से ज्वाइंट होते हैं, तो इसका भी हमारे शरीर का रिलेशन है। सन एंड अर्थ, इसको भी ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़ा है, ये भी एक खुद का, इसको कभी इधर नहीं जाने देता, खुद के एक नियम रहते हैं। देयर इज अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी प्रूफ ऑफ वाइटल फोर्स। तो हम थोड़ा सा देखेंगे कि वाइटल फोर्स रहता क्या है, द रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन योर लाइफ, वर्ल्ड ऑफ माइंड वाइटल फोर्स, द मेन थिंग्स ऑफ द वाइटल फोर्स इज द अटैचमेंट, वर्ल्ड ऑफ बॉडी, दीज आर द ऑल दिस थिंग इन आवर बॉडी। वाइटल फोर्स हमारे माइंड और बॉडी इन दोनों को ज्वाइन कर, जैसे कि मुझे सोचना है, हाथ उठाना है, तो मुझे पहले सोचना पड़ेगा, हाथ उठाना पड़ेगा, इन दोनों का भी जो माइनूट जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं वाइटल फोर्स। ये हमारे जो हम उसको बोलते हैं रिएक्शन पावर, उसको हम बोलते हैं कि ऑटोक्रेटिक पावर, ये सब कुछ हमें इसके अंदर ये आता है। दिज आर द ऑल ड्यू टू द कॉल एज द हाउ होम्योपैथी क्योर टेक प्लेस। और इसी ये दिखाने का मतलब ही यह है कि हम इसी को ही आधार लेके, इसका एक आधार लेके कि बीमारी होती कैसी है, बीमारी का कारण कैसा होता है, उसको कैसा ठीक किया जाता है। तो हम इसको हम देखेंगे कि हमने एक अभी हम इसका आधार लेके टेक्नोलॉजी को वापर करके ऑर्गेनो रेपोट्रियस सॉफ्टवेयर जिसे मेडिको लीगल एक्सपर्ट बैक ऑफिस कंट्री देता है, ये हम कुछ दिनों में लॉन्च करेंगे। उसी का एक आधार लेके हमने एक डेमो बताया, इस डेमो के ऊपर ही वो सॉफ्टवेयर रहेगा कि हम बहुत, जैसे कि कहा जाता है कि होम्योपैथी के अंदर बहुत दिन लगते हैं बीमारी को ठीक करने के लिए, ऐसा कहा जाता है कि होम्योपैथी के अंदर बीमारी को थोड़ा बढ़ता है, तो हम उस सब चीज़ का सॉल्व करने के लिए कि हम बहुत जल्द से जल्द टेक्नोलॉजी का पूरा, हमने पूरा टेक्नोलॉजी को वापस किया, टेक्नोलॉजी का नए सॉफ्टवेयर उगम किया है, उसके अंदर हमने ये ऑर्गेन जो हमने देखा है वो रेपेट्री हमने यहाँ पे देखे होंगे अपने, दैट इज़ द फर्स्ट रेपेट्री ऑफ डॉक्टर बोनी हुसैन, केन रेपेट्री और बीबी शर, तीनों रेपेट्री का हमने एक बनाया और इसको इस डेमो के साथ अटैच किया। दिज आर ऑल रेपेट्री अटैच टू दैट डेमो एंड मेकिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑर्गेनो रेपोट्रियल सॉफ्टवेयर। दिस इज द सॉफ्टवेयर, यूनिक सॉफ्टवेयर ऑफ माय फर्स्ट इन्वेंशन और रिसर्च इन माय होम्योपैथिक फील्ड, और हम कुछ महीनों के अंदर उसकी लीगल प्रोसेस चालू है, रजिस्ट्रेशन इन द CCH, MCH, दिस आर द ऑल प्रोसेस चल रही है कि हम किस तरह से उनको लॉन्च करने का तरह देखेंगे। यह रेपेट्री सॉफ्टवेयर हम पूरी तरह से बन गया है, उसके अंदर हमने सिम्टम्स आपको बहुत टाइम, कम टाइम के अंदर आप केस ले पाओगे, क्लासिकल केस कम टाइम के अंदर, ऑर्गेन का पूरा इसके अंदर सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन, ऑब्जर्वेशन, मायजम्स, दिस ऑल इस सॉफ्टवेयर के अंदर सब कुछ है। इस सॉफ्टवेयर का कहना ही यही है कि हम होम्योपैथी को नए आयाम, नए टेक्नोलॉजी, जैसे कि एलोपैथिक,
डिजायर नए नए टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, हमने भी होम्योपैथी को नए टेक्नोलॉजी को लेकर जाने का, मगर सेंटर बुक इसके नियम बिना चेंज होते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो फॉर द लॉन्चिंग ऑफ द माई न्यू सॉफ्टवेयर दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनो रेकोट्रियल सॉफ्टवेयर। थैंक यू वेरी मच।